दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बिसलपुर मार्ग पर स्थित प्रीत फिलिंग पेट्रोल पंप पर कार सवार बदमाशों ने तेल भरवाया और फिर बिना भुगतान किए दौड़ा दी कार, जिसमें पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन कार के साथ खिंचता हुआ चला गया। पंप स्वामी के मुताबिक कार व केन में 12,000 रुपए का तेल भरवाया गया। मामले की तहरीर अज्ञात के विरुद्ध थाने में दी गई है। इधर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। बताते चले, प्रीत फिलिंग स्टेशन पर ये रात घटना हुई है। एक कार में कुछ लोग सवार होकर पंप पहुंचे और सेल्समैन देवेंद्र से कार पर और केन पर डीजल भरवाया। सेल्समैन देवेंद्र ने बताया, तेल भरवाने के बाद जब पैसे मांगे तो आरोपी दरवाजे से उसका हाथ पकड़कर काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस कॉम्बिंग करती रही, लेकिन कोई बदमाश हाथ नहीं आया। घायल सेल्समैन ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध थाने में तहरीर लिखाई है। आपको बता दें, कार्यवाहक थाना अध्यक्ष पुष्पेंद्र का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश जारी है। बरेली से ब्यूरो चीफ आचार्य संजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।